करनाल का स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है, जिसके चलते करनाल के कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल को पूरी तरह से कोविड अस्पताल में तब्दील किया जाएगा। वहीं गैर कोविड गतिविधियां अब नागरिक अस्पताल में चलेंगी। अस्पताल प्रशासन ने खाका तैयार कर लिया है और इसके लिए अब बस आलाकमान के आदेश का इंतजार किया जा रहा है। बता दें कि जिले में कोविड 19 रोगियों की वृद्धि को देखते हुए स्वास्थ्य अधिकारियों ने एक बार फिर कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को समर्पित कोविड अस्पताल में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है, जिसमें सभी गैर कोविड गतिविधियां सिविल अस्पताल से चलेंगी। केसीजीएमसी के निदेशक डॉक्टर जगदीश दुरेजा ने कहा कि जैसे कि कोविड मामलों की संख्या बढ़ रही है, हमने सिविल अस्पताल में ओपीडी को छोड़कर सभी गैर कोविड गतिविधियों को स्थानांतरित करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि डायलिसिस यूनिट की तैयारी चल रही है, जो कोविड रोगियों के लिए काफी फायदेमंद होगी। मेडिकल, सर्जिकल, ईएनटी, आर्थो और आपातकालीन कार्य को एक या दो दिन में सिविल अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जबकि लेबर रूम और स्त्री रोग विभाग को लेबर रूम के नवीनीकरण के बाद स्थानांतरित किया जाएगा। केवल जीवन रक्षक सर्जरी ही केसीजीएम से की जाएगी। बता दें कि करनाल कोरोना वायरस के अधिकतर मामलों वाले जिलों में एक है, जिसके कारण सरकार द्वारा सतर्कता बरतते हुए करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को पूरी तरह से कोविड अस्पताल बनाने का निर्णय लिया गया है। जी डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, करनाल का कल्पना चावला अस्पताल अपनी काफी जो फैसिलिटीज देता हुआ नजर आ रहा, क्या नया अपडेट है? जैसा कि आपको पता है, अभी तक हम लोगों ने जो कोविड के पेशेंट के लिए 40 आईसीयू बेड डेडिकेट किए हुए हैं, जो बाकी के 20 बेड हैं वो नॉन कोविड के लिए डेडिकेशन के रखे हुए थे, और बाकी जो हम सारी नॉन कोविड सर्विसेज भी चला रहे हैं, चाहे वो ओपीडी की सर्विसेज है, सैंपलिंग की सर्विसेज है, चाहे वो लैब का इशू है, वो सारे ठीक ठाक से चल रहे हैं। लेकिन पीछे कुछ 10-15 दिन से ही देखा गया है कि कोविड के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, तो उस चीज़ को एंटीसिपेट करते हुए हमने अपने फर्दर आईसीयू और जो कोविड पेशेंट के लिए बेड बनाने का प्लान किया। डिप्टी कमिश्नर के साथ मीटिंग करी तो हम लोगों ने एक ये प्लान प्रिपेयर किया है कि जो नॉन कोविड सर्विसेज हैं, जो करनाल के मरीजों के लिए हम नॉन कोविड सर्विसेज हैं, वो कल्पना चावला के डॉक्टर, डीसीएच जो डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल है उनके डॉक्टर के एसोसिएशन के साथ डीसीएच में स्टार्ट करेंगे। बाकी जो सर्विसेज हैं, जैसे कि ओपीडी सर्विसेज है, वो हमारे केसीजीएमसी के डॉक्टर अपनी ओपीडी रन करेंगे। जो हमारी कैजुअल्टी है वो एसएच रन करेगी। इसमें सारी जो सांस से रिलेटेड कोई भी तकलीफ होगी वो उनको देखा जाएगा, जो भी कोई लाइफ थ्रेटनिंग कोई मरीज आएगा डिसीज के साथ उनको भी वहाँ देखा जाएगा, और कोविड से रिलेटेड कोई भी मरीज आएगा जिसको किसी भी किस्म की सुविधा की जरूरत हो, चाहे वो ऑक्सीजन की जरूरत है, चाहे वेंटिलेटर की जरूरत है, आईसीयू की जरूरत है, उसको कल्पना चावला में सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। तो कब तक की तैयारी है सर ये? हम लोग सरकार के आदेश का इंतजार कर रहे हैं, हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। डॉक्टर की टीम और जुटाई जाएगी इसके लिए? डॉक्टर्स की टीम जो हमारे जो यहीं के जो डॉक्टर हैं, कल्पना चावला के जो सर्जन हैं, जो अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, या जो दूसरे सर्जरी विभाग जो हम वहाँ शिफ्ट करेंगे, हमारे ही डॉक्टर वहाँ चले जाएंगे और वो जो नॉन कोविड सर्विसेज हैं वो वहाँ प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी, आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक